जुडिशरी वॉट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यू एन सिट्रल विच इज यू एन सी आई टी आर ए एल टू रेगुलेट इंटरनेशनल मार्केट टू यूनिफाई इंटरनेशनल ट्रेड लॉ टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट और टू क्रिएट ट्रेड पॉलिसीज यूनि का प्राथमिक लक्ष्य क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजारों को विनियमित करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून को एकीकृत करना व्यापार विवादों को हल करना या व्यापार नीतियां बनाना द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टू यूनिफाई इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून को एकीकृत करना यू एन सिट्रल स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इट वॉजिस्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1966 टू प्रमोट द हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इट इज द कोर लीगल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यू सिट्रल का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उन्नीस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है नेक्स्ट अंडर विच द कोड ऑफ क्रिमिनल इज क्लोजर रिपोर्ट फाइल सेक्शन 154, सेक्शन 169, सेक्शन 190 और सेक्शन 173। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत समापन रिपोर्ट दायर की जाती है धारा एक धारा एक धारा एक

करेंटली इट हैज इन द सेक्शन 189 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 समापन रिपोर्ट सामान्यतः जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा एक के तहत रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है जांच अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट को तब प्रस्तुत की जाती है जब अभियुक्त को मुकदमे के लिए भेजने के लिए पर्याप्त सबूत या उचित आधार नहीं होते हैं वर्तमान में इसका उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा धारा एक में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सी पी सी वॉट डज द टर्म प्लीडिंग रेफर टू ओनली द प्लेंथ ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट प्लेंथ और रिटर्न स्टेटमेंट स्टेटमेंट मेड बाई विटनेसेस सी पी सी के आदेश छह नियम एक के अनुसार प्लीडिंग शब्द का क्या अर्थ है केवल शिकायत न्यायालय में मौखिक बहस वाद पत्र का लिखित बयान या गवाहों द्वारा दिए गए बयान द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी प्लेंथ और रिटर्न स्टेटमेंट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाद पत्र या लिखित बयान रिसेंटली इन द केस ऑफ दिनेश गोयल एलियास पप्पू वर्सेस सुमन अग्रवाल बिंदल एंड अदर्स The Supreme Court allowed the amendment as it was necessary for determining the controversy between the parties. Pleading under Order 6, Rule 1 of the CPC refers to a plenth or written statement that provides the necessary details for a party to understand the contentions of the other party. An amendment to a pleading can be made under Order 6, Rule 17 of the C Code of Civil Procedure. हाल ही में दिनेश गोयल उर्फ पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल बिंदल एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को अनुमति दी क्योंकि यह पक्षों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिए आवश्यक था सीपीसी के आदेश 6 नियम एक के अंतर्गत प्लीडिंग अर्थात अभिवचन एक वाद पत्र या लिखित बयान को संदर्भित करता है जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के तर्कों को समझने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करता है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम के तहत किसी दलील में संशोधन किया जा सकता है नेक्स्ट सेक्शन 141 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन डील विद डायरेक्ट लाइबिलिटी विकेरियस लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और ज्वाइंट लाइबिलिटी परक्राम्य लिखित अधिनियम अठारह की धारा 141 किससे संबंधित है प्रत्यक्ष दायित्व प्रतिनिधि दायित्व सख्त दायित्व संयुक्त दायित्व द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विकेरियस लाइबिलिटी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिनिधि दायित्व रिसेंटली द अलाहाबाद कोर्ट इन द मैटर ऑफ किशोर शंकर Signapurkar v. State of Uttar Pradesh and others has held that if the director signing the cheque has been summoned, then it shall be presumed that the company has also been summoned. Section 141 under the Negotiable Instrument Act 1881 establishes vicarious liability where individuals responsible for the conduct of a company's business can be held liable for offences committed by the company. िटी मींस होल्डिंग इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यदि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को बुलाया गया है तो यह माना जाएगा की कंपनी को भी बुलाया गया है परक्राम्य लिखित अधिनियम अठारह सौ इक्यासी के अंतर्गत धारा एक सौ इकतालीस प्रतिनिधिक दायित्व स्थापित करती है जिसके तहत किसी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है प्रतिनिधिक दायित्व का अर्थ है किसी व्यक्ति को उस कंपनी के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना जिसका प्रबंधन या नियंत्रण वे स्वयं करते हैं नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट डिफेंस ऑफ एलआईबीए इज गवर्नड बाय सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट सेक्शन 12 ऑफ द एविडेंस एक्ट सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम अन्यत्र उपस्थिति के आधार पर बचाव किसके द्वारा शासित है साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 या साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सेक्शन इलेवन ऑफ द एविडेंस एक्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा ग्यारह सेक्शन इलेवन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू प्रोवाइड फॉर द डिफेंस ऑफ एलिबा सेक्शन इलेवन डील्स विद वेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकन्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इफ

यदि वे किसी मुद्दे से संबंधित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से असंगत हों, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी वाद विषय या प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यधिक संभाव्य या असंभाव्य मानते हैं नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन अब बारी है अभ्यास प्रश्न की अंडर वॉट सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन वन सेक्शन वन सेक्शन वन फोर्टी सेवन सेक्शन वन थर्टी नाइन दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट स्थानीय जांच का निर्देश दे सकता है धारा एक सौ तैतीस धारा एक सौ पैतालीस धारा एक सौ सैतालीस धारा एक सौ उनतालीस द आंसर इन कमेंट सेक्शन आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद